नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। इधर जूम कीजिए, गोरे गोरे गलिया है और भाई सपना चौहान है, विवाद है और कई सारे सवाल हैं, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया, सबके प्रणाम। ये हमारे भैया नीजू भैया के जो भी चैनल देखा था भोजपुरी गॉसिप, इस चैनल का हमने के पुरान कस्टमर है। ये आज हमने के गाना आइल बा गोरी तोर गलिया, जो कि आप लोगों ने प्यार दे के भर दिया उस गाने को, तो आप सब थैंक यू। सही में वाकई में सपना चौहान का गाल गोर गोर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, वो गोरी हैं, इसमें तो नो डाउट है। हाँ, क्या लग रहा है? पिछला गाना शिवा रिकॉर्ड्स पे हल्का हुआ, लेकिन 1 मिलियन हो चुका है। अभी जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो 1 मिलियन से ज़्यादा जा चुका है। क्या कहिएगा, रफ्तार पकड़ेगा? और कौन ये वाला गाना है? मेरा वाला, मेरा वाला गाना, हमारा गाना फ्लॉप ना होला। हम फ्लॉप के लिए नहीं बने, ये मतलब अपने आप पे घमंड नहीं है, इन सब पे भरोसा है, पब्लिक पे और अपने मेहनत पे। हम लोग मेहनती लोग हैं और हम लोग मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। हम अपने चीज़ों को बहुत सोच समझ के रिलीज करते हैं, 10-10 गाना बनाते हैं जिसमें एक गाना हम लोग गवाते हैं। तो गाना पब्लिक है, उसमें आप कमेंट पढ़िएगा तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। ये दुनिया से जवाब नहीं लेना है, गाने खोलिए यूट्यूब पे और हमारे भाइयों का कमेंट पढ़ लीजिए। किसी ने 100 मिलियन भैया गारंटी, 200 मिलियन भैया गारंटी, हर जगह बजेगा। तो वहीं से हम लोग अपना आकलन कर लेते हैं कि हाँ, ये गाना हिट है। शादी में लगन वाला सीजन में भी थोड़ा टाइम है और अभी ही लगन स्पेशल आपने एकदम मार दिया है, तो लगता है कि एकदम लगन वाली पहले ही तैयारी कर दिया कि भाई बजे से पहले ही हम तैयार हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे स्टार्ट होगा तो यही बजाओ। हाँ, तो अब लगन स्टार्ट ही होने वाला है, मुझे लगता है 27-28 से चालू होगा, तो उसके पहले देंगे तभी ना सब जगह ये गाना पहुँचा रहेगा, तो उस टाइम सब बजाना रहेगा। नए गाने उस टाइम रिलीज करते तो थोड़ा सा धीरे धीरे उन लोग के पास जाता, पब्लिक के पास, तो ये पहले से पहुँचाए रहेंगे। अब लगन चालू और वो लोग डांस अपना चालू कर देंगे। लेकिन सपना चौहान और खेसारी जी के बारे में कहा जा रहा था कि भाई दोनों अलग हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ अब नहीं दिखेंगे, तो ये कम्युनिकेशन बिठाने का जिम्मेदारी किसके पास आया था? देखिए, सपना चौहान और खेसारी भैया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम लोग किसी से तुरंत जज कर देते हैं, नाम जोड़ देते हैं। सपना चौहान बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो एक्ट्रेस हैं और हम सबकी दुआ है कि वो अपना आगे काम करें, हर जगह छाए रहे हैं वो। हाँ, तो हम लोग का कुछ ऐसा नाम, देखिए काम किसी के साथ आदमी करता है तो नाम जुड़ता है, लेकिन उनसे हम लोगों का कोई वो नहीं है। हाँ, मतलब और भी गाने शूट हुए हैं अभी? तो जितने गाने रिलीज हुए हैं वो गाने आएंगे, बाकी बात की बात अभी थोड़ा सा ब्रेक देंगे, इसलिए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब बोलने लगी है, जो भैया के फैन है, कि बार बार एक ही लोग को ला रहे हैं आप लोग। जैसे मैं यामिनी जी के साथ हुआ था, यामिनी जी को बार बार ट्रोल करने लगे थे लोग कि एक ही लड़की के साथ बार बार आप लोग करते हैं, तो अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक दिया जाएगा। आपने एक इंटरव्यू देखा, जब मैंने मेघा सिर से इंटरव्यू किया था जी, तो मैंने कहा था कि भाई मैं आवाज़ उठाऊँगा, मेघा श्री को एल्बम में गाने में लेके आ जाए जी। क्या तैयारी कीजिएगा? मेघा जी का कोई एक्ट्रेस फिल्मों में आती है, क्या एल्बम में लेके आइएगा? देखिए, मैं अपने लाइफ में बहुत, जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मैं मेघा जैसी लड़की इस इंडस्ट्री में नहीं देखा। वो बहुत ही अच्छी इंसान है और मेरी सबसे फेवरेट हीरोइन है वो, मेघा श्री। तो वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बट उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, भोजपुरी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं ना बोल पाती हैं, तो इस वजह से हम लोग उनके साथ काम उस टाइप का नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मतलब बोलने में, लिपसिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। उनको गाना करवाए हैं, बहुत सारा गाना हुआ है, लेकिन उनको 2-4 दिन पहले समझाना पड़ता है पेज पे लिख के, हाँ कि गलिया इसे बोलना है, तो वो थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे काम कर रही हैं, वो समझ जाएंगी और उनके साथ हम बहुत बड़ा गाना करेंगे। पक्का पक्का पक्का, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनसे, वो मेरी फेवरेट भी हैं, वो बहुत अच्छी इंसान है, एक दोस्त के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान है। मतलब जब हम इतना नज़दीकी से जानते हैं और हम बोल रहे हैं, तो उसमें नो डाउट। तो मेघा जी, मैंने कहा था कि भाई मैं पूछूंगा खेसारी टीम से, तो भाई मैंने पूछ लिया है, बाकी आप अपना काम कर लीजिएगा। अब सवाल थोड़ा डिफरेंट, विवेक सिंह एक पोस्ट करते हैं
कि मैनेजर थे, आते हैं और रहेंगे, आते रहेंगे, मतलब मैनेजर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन सुपर हिट हैं और रहेंगे, तो मैनेजर चेंज हो गए क्या? हाँ, मैनेजर वाला काम अब बंद हो गया और अब से कोई मैनेजर नहीं है भैया का। एक कंपनी है जो खुद भैया आके एक दो दिन में आज आ जाएं, कल आएं, वो लाइव आके अपने लोगों से बताएंगे, जिनको भी गाना लेना होगा, जिनको भी खेसारी भैया का स्टेज शो करवाना हो, प्रोग्राम करवाना हो, या फिर किसी रियलिटी शो के बारे में बात करना हो, किसी ब्रांड के बारे में बात करना हो, तो वो कंपनी ही उनको मैनेज करेगी। उस कंपनी का नाम खेसारी भैया आप लोग से बता देंगे, और अब से उनका कोई मैनेजर नहीं है, और उनके ऑफिशियली उसी कंपनी से अगर मान के चलिए आप हमारे पास भी आएंगे तो हम उसी कंपनी को बताएंगे कि उस कंपनी का नंबर दे देंगे, आप जाके बात कर लीजिए, वो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हाँ, तो अब से कोई मैनेजर और कोई, हम लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काम करते रहेंगे, कोई मैनेजर नहीं रहेगा। यानी कि पहले सोनू पांडे जी थे, फिर विवेक सिंह आए, तो अब ना नए वाले हैं ना उसके पुराने वाले हैं, अब कोई नहीं है खेसारी टीम को, मतलब खेसारी जी को मैनेज करेगी खुद की उनकी कंपनी ही कोई मैनेज करने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि खेसारी भैया को अगर अखिलेश कश्यप बोले, पवन बाबा बोले, कृष्णा भैया को तो मैं नहीं बोल सकता और पवन भैया को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से हैं, स्ट्रगल पीरियड से भैया के साथ हैं। अगर वो लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को मैंने बनाया है, तो दो मिनट के लिए हम लोग सोचेंगे कि सही बात है, हो सकता है ये लोग मे भी बचपन से साथ में रहे हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, तो लोग बोलेंगे तो ठीक लगेगा। अगर अखिलेश कश्यप बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को मैं बनाया हूँ, विवेक सिंह बोले, सोनू पांडे बोले, संजय यादव बोले, तो ये कतई से सही नहीं है। खेसारी लाल यादव अपने आप में एक स्टार हैं और अपने दम पे यहाँ तक हैं। तो अगर हमको आपको किसी को भी ये भ्रम हो जाता है कि मैं खेसारी लाल यादव को चला रहा हूँ, तो ये गलत चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में रहते हो तो उस रिश्ते में ईमानदारी रखो। अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ दे देता है और उस जिम्मेवारियों का और उस प्यार का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे सबके दिलों में दुख होता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, तो वहाँ पे। और खेसारी भैया ऐसे इंसान है कि भैया के लिए कभी भी 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया कोई मायने ही नहीं रखा है अपने लोगों के लिए। तो मान के चलिए हम भी गाना करते हैं, हम भी एक कंपनी वाले हैं, हमारे पास 70-70 लाख, 80-80 लाख रुपया का उधारी चलता है, एक ही बार पैसा मिलता है, उनको देते हैं हम लोग, तो उतना तक वो इंसान अपने लोगों के लिए मैनेज करता है। तो कुछ ऐसा चीज़ें हुआ है जो इंसान पब्लिकली अपने घर की इज्जत है, घर में ही रहे तो सही है, किसी से क्या बोलना है। क्या ये वही मैटर है जो ग्लोबल वाला विवाद उसी को लेकर कि ये एग्रीमेंट वाला विवाद है या फिर? नहीं, ये ग्लोबल का कोई मैटर नहीं है, ये हमारा कुछ ऐसा निजी चीज़ें है जो हमारे हिसाब किताब में गड़बड़िया हुई है, इधर उधर हुआ है, तो उस वजह से सब लोग चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि अब खेसारी लाल यादव को सिर्फ और सिर्फ जो अनाउंस करेंगे, यानी कि जो उनकी नई कंपनी होगी, उसी कंपनी के थ्रू ही कोई आगे, मतलब खेसारी भैया के साथ संपर्क कर सकता है या गाना ले सकता है, स्टेज प्रोग्राम जो भी कर सकता, वो आगे ही पता चल पाएगा। जी, अभी आपको आजकल के अंदर, हाँ, 1 से 2 दिन के अंदर में आप सभी को पता चल जाएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नंबर क्या है, उस और उसमें कोई इंसान नहीं है। ये नहीं है कि ये उस कंपनी को मैनेज करे, उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया मैनेज करेंगे। उनके माइंड में रहेगा कि इस कंपनी में कितने लोगों को गाना गया, कितने लोगों का फ़ोन आया है, उसका अलग सब सिस्टम रहेगा, वो सब आपको वो लाइव आके बता देंगे। अगर आपको कोई भी खेसारी भैया से ऑफिशियली आदमी, चाहे वो अखिलेश कश्यप हो, हम अपने आप को ही पहले बोलते हैं, कोई भी हो, वो बोलता है कि इतना पैसा दे दीजिए, गाना ले लीजिए, कोई भी कंपनी वाले भाई हो या कोई स्टेज शो कराने वाले लोग हो, आप उस कंपनी से डायरेक्ट जाके जुड़िए, वो कंपनी आपसे, उसका वेबसाइट होगा, उसका ऑनलाइन हर चीज़ होगा, उसका लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, तो उस कंपनी से जुड़ के ही आपको जाना है, चाहे आप किसी के थ्रू जाइए। अगर आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट या तो खेसारी भैया से बात करिए, नहीं तो उस कंपनी से बात कीजिए, उसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं रहेगा। मतलब खेसारी भैया का एक पीआर टीम लीगली चालू हो जाएगा। हाँ हाँ, उसमें से अब कहीं से, चाहे वो सिनेमा के बातें हो, मूवी की बातें हो, एल्बम की बातें हो, स्टेज शो का हो, ब्रांड का हो, जो भी वो काम करते हैं,
सब कुछ वही मैनेज करेगी, मैनेज करेंगे। लेकिन अब सवाल थोड़ा पॉलिटिकल और राजनीतिक। खेसारी लाल यादव के पिताजी कारा काट जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, भव्य दिखता है, लेकिन आप और खेसारी जी का भी कुछ पता नहीं है, तो कब जाइएगा ये तो बताइएगा। नहीं देखिए, मेन चीज़ है कि हम लोग माता रानी से ये दुआ करते हैं कि हमारा बड़ा भाई चुनाव वहाँ से जीते, और हम लोग का यह 100% सहयोग है। हम जब चाचा गए तो चाचा को पहले ही जाना था, जब हम लोग छपरा गांव पे गए थे उसी एक दिन पहले पवन भैया का फ़ोन आया था भैया के पास, तो पिताजी गए। अभी हम लोग का बोले थे कि वो अपना टाइम बताएंगे, जब उनके वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना जब सब कुछ व्यवस्थाएँ देख लेंगे, जब बोलेंगे तो हम लोग चले जाएंगे उनके यहाँ। कहीं सारा इसका तरफ तो नहीं है कि भाई पहले नामांकन जो हो चुका है, पहले चुनाव चिन्ह आ जाए, संख्या नंबर आ जाए, तो बताने में थोड़ा दर्शकों को, मतलब जो वोटर है उनको मिलेगा, उसका इंतज़ार हो रहा है? अब उनका वो विचारधारा है पवन भैया का, वो किस तरीके से अपने चुनाव पे और उनके लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें उस इंसान ने साबित कर दिया कि जिस काराकाट को, मतलब हमारा तो घर ही है उधर, तो हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जिस काराकाट को शाहबाद के बाद अगर बिहार में वैसा कोई जगह नहीं होगा जो लोग जानते होंगे, तो उस काराकाट को आज जहाँ भोजपुरी बोला और सुना जाता है वहाँ तक वो पहुँचा दिए, और गए तो कम से कम लोगों के बीच बता दिए कि कोई भोजपुरी का बेटा है। चुनाव हार जीत होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति होता है, जातिगत वोट भी होते हैं, लेकिन हम सबका मानना यही है कि जितने लोगों को आप लोगों ने मौका दिया और आप लोगों ने ये भी देखा कि कितना विकास किए, तो 5 साल का ही बात है, अगर पवन भैया भी काम नहीं करेंगे तो उनको भी चेंज कर देना है, लेकिन ये अपना 5 साल उस इंसान को देना है। कैसे जीत जाएंगे? आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ करें जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे वो? अब उन्हीं के खिलाफ 5-5 गो, 4 गो तो उनके भाई ही, मतलब 3 गो उनके भाई, एक भोजपुरी इंडस्ट्री की और एक हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, तीनों के लिए उन्होंने काम किया, अक्षरा सिंह भी चुनाव प्रचार में आएंगे, तो कैसे जीत जाएंगे? इधर एक ही पवन सिंह और उधर कंगना रनावत भी। अरे वो जितना लोग आएंगे, उनका छोटा भाई खेसारी लाल यादव है ना, सब पे भारी है खेसारी। हम लोग जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लोगों को बुलाने से चुनाव जीतना होता तो मुझे लगता है कि भारत के हर वो सांसद अपने चुनाव में अजय देवगन, अक्षय कुमार को उतार दिए होते। ऐसा नहीं होता है, आपका व्यक्तिगत रिस्पांस और व्यक्तिगत विचारधारा क्या है उससे आप वोट जीतते हैं। अगर रही बात भोजपुरी बोलने और सुनने की, तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्यार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों से ज़्यादा किसी की फैन फॉलोइंग उस क्षेत्र में नहीं होगी। तो ये दोनों जब एक साथ है तो क्या दिक्कत है? खेसारी जी कोई आए जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो चुनाव जीत रहे हैं। मतलब खेसारी जी आएंगे तो यादव जी का जो लाठी है वो हिलाएंगे, मतलब वोट में तल्दीव कराएंगे खेसारी भैया। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, चाहे वो पवन भैया हो चाहे वो खेसारी भैया हो, इनको एक जाति का इंसान कोई प्यार ही नहीं करता है, इनको हर जाति के लोग प्यार करते हैं। अगर हम लोग 2 मिनट में अपने ज़िंदगी को जातियों में बांट देते हैं तो ये हमारे लिए कहीं से सही नहीं है, क्योंकि खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, इनके अगर गाने के 200-200 मिलियन, 400-400 मिलियन व्यूज जाते हैं तो हर जाति के लोग प्यार करने वाले इन लोगों को। और उतना भीड़ जब इकट्ठा हुआ था तो उसमें कोई पता करने गया था कि आप यादव हैं कि कौन हैं कि क्या हैं, हर जाति के लोग प्यार, कलाकार सबका होता है, एक जाति का थोड़ी होता है। तो वहाँ जात से उठ के इस बार चुनाव हो रहा है, काराकाट की जनता ये बिल्कुल समझ चुकी है कि हम सिर्फ जातियों में, और हम बिहारी लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधाएँ वही हैं कि हम लोग जातिगत होकर चुनाव करते हैं। जिस दिन हमारे माइंड से ये चीज़ निकल जाएगा ना कि हम नहीं, हम अच्छे इंसान को चुनते हैं। अच्छा, पवन सिंह को क्या चीज़ की कमी है? नाम भी उतना ही है, शोहरत है, पैसा है, क्या चीज़ का दिक्कत है? उसका शौक था कि मुझे इस क्षेत्र का सेवा करना है, नाम के लिए तो पवन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा नाम कौन होगा? आप ना पैसा के लिए लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि 5 बार सांसद बनेंगे, 7 बार बनेंगे तब भी उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना पवन भैया ने भोजपुरी से कमाया है। तो इनको ये दोनों की लालच नहीं है, तो उसको चाहिए क्या? वो लोगों का सेवा करने गया है वो इंसान, और मुझे लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे तो पूरी काराकाट की एकदम छवि बदल देंगे। जो सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं पवन सिंह के साथ, वो सेल्फी वाली भीड़ है या फिर वो वोटरों वाली भीड़ है? क्योंकि
कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी आते हैं तो सेल्फी ज़्यादा, पवन सिंह के आगे पीछे सब सेल्फी मोड ही चल रहा है, क्या वाकई में वो सेल्फी मोड है या फिर वोटर वाला है, क्या देखते हैं? क्योंकि आप वहीं के हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल को देखते हैं, जो हुजूम जा रहा है वो सेल्फी वाला मोड तो नहीं है ना? बता देते हैं कि वो मंच पे थे और कम से कम जहाँ से हम लोग भीड़ देखे हैं 1.5 से 2 लाख पब्लिक होगी, कितने लोगों को पवन भैया ने सेल्फी दिया होगा? आस में रहते हैं ना कि भाई एक शायद जो मिल जाए सेल्फी, भीड़ में जो पीछे जाके सैकड़ों की संख्या में कम से कम 100 मीटर दूर जाके पवन जी को देखने आया है, उनको सुनने आया है, और मुझे लगता है कि एक वोटर और पब्लिक में बहुत फर्क है। उस भीड़ में भी आप पहचान कीजिएगा, जो आम पब्लिक होगी कि पवन सिंह कैसे दिखते हैं, भाई चलो ना देख के आते हैं, तो भीड़ में गए देख लिए पवन सिंह को, वो चले जाएंगे, लेकिन पवन सिंह को खड़ा होकर 1 घंटा धूप में सुनना, वो वोटर की पहचान है। वो फैन नहीं हो सकते, वो वोटर हैं। और हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है, हमारे भाई बोलते हैं कि हमको ये लफुआ बोले हैं, लेकिन यही लफुआ अपनी माँ को ला के वोट दिलवाएगा पवन भैया के लिए। तो ये सब जो पल होता है इमोशनली चीज़ होता है, और जितना भी उनके वोट एक, और इससे भोजपुरी के लिए बड़ा चीज़, चुनाव जीते हारे जो भी हो, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जाके वहाँ पर सबकी हवा टाइट कर दिया, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? आप महारत ही हासिल किए थे आप लोग राजनीति में, लेकिन एक भोजपुरी से जाता है लड़का और दोनों लोगों की नींद उड़ा देता है। हाँ, जो भी लड़ेगा लड़ाई पवन सिंह से ही होगी। हाँ, लेकिन पवन सिंह से होगी। फिर एक सवाल आता है यहाँ पे कि जिस तरीके से मनोज तिवारी कहते हैं कि पवन सिंह अपना नामांकन वापसी ले, मतलब उनको समझाने की कोशिश, और इधर बीजेपी में मतलब कहते हैं गर्मा गर्म तवा रोटी सेक के पहुँचे हैं मनीष कश्यप, वो भी कह रहे हैं कि भैया पवन सिंह का नामांकन वापसी हो क्योंकि वो बीजेपी में ही रहें, तो क्या कहिएगा? इधर मनीष कश्यप भी कह रहे हैं कि पवन सिंह नामांकन वापसी ले, तो भाई वो सेलिब्रिटी जिसने अपना दाव लगाया वो क्यों नामांकन वापसी ले, क्या लग रहा है, कुछ कहिएगा इस पे? ये दोनों बड़े भाई हैं हमारे, मनोज भैया से भी उतना ही प्यार है क्योंकि हम लोग हमेशा उनके यहाँ जाते बैठते हैं, और मनीष जी हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। वो हो सकता है उनका 1-2 सालों में बहुत बड़ा नाम हो गया, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता, हमारे लिए वही मनीष कश्यप है जो एक मीडिया वाले थे, वो कितना भी बड़े ओहदा वाले हो जाएंगे तो हमारे लिए वही रहेंगे, वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी अपनी वो छवि, अपने वो विचार है, वो अपना विचार रखे हैं, लेकिन अब इन्होंने अपने माँ से वादा कर दिया था, तो अब तो चुनाव लड़ गए हैं, तो इसमें वापसी वाला तो फिर प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी, अब वापसी का अब जय क्षय होगा। ये विचार है या फिर बीजेपी की बोल है? क्योंकि बीजेपी के नेता अगर जुटे हैं तो कहीं ना हो सकता है बीजेपी का बात हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब तो नामांकन हो गया, अब क्या, अब कोई वापसी की उम्मीदें नहीं है, अब एक ही बार जीत की माला पहनाना है, जीत का माला पहनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल, लास्ट सवाल रहेगा, अनुपमा यादव ज्योति सिंह यानी पवन सिंह की पत्नी को कहती है कि कौन ज्योति सिंह, मैं नहीं जानते, और आज वही ज्योति सिंह के साथ रील बना रही है, पैर छुई नहीं लेकिन छूते छूते रह गई, क्या कहिएगा? एक तरफ जिस तरीके से पवन सिंह की वाइफ को उतना अभद्र टिप्पणी करती है और उसके बाद फिर सामने, देखिए इन लोगों का तो मैं बात ही नहीं करता, चाहे वो हमारे खेसारी भैया के लोग हो चाहे पवन भैया के लोग हो। देखिए, हम उतना तक अपने रिश्तों को बचा के रखना चाहिए, आप इनके लिए आप बोल तो दिए, लेकिन आप सामने मिले तो आपका नज़र तो मिल नहीं पाया उस इंसान से, तो एक देखिए चमचई करने की जो हद होती है ना, उसको लिमिट में रखा जाता है, कोई भी इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो चमचई आप उतना ही कीजिए कि स्टार को भी आपका बढ़िया लगे कि ये मेरे साथ है, अब इतना ऊपर लेवल से मत चमचई कर दीजिए कि कहीं आप ही फेंका ना जाए। तो वही चीज़ें मैं देखा हूँ कुछ लोगों के लिए, मैं अपने साथ भी रहने वाले लोगों को बोल रहा हूँ और उनके साथ भी रहने वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि आप तो जिस व्यू में दोनों लोग, जब हम लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था पूरा लाइव लूप ये वो, तो सब लोग पूरा गर्मा गर्मी में इधर उधर किए और दोनों लोग फिर एक हो गए, तो फिर जब वो दोनों एक हो गए तो उनके लोगों से जिस जिन लोगों को आप बोले हैं उससे आप कैसे फेस कर पाएंगे? तो आप किसी रिश्ते को उतना तक ले जाके छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए उस रिश्ते को, वहीं तक कभी मिलिए तो सामने से हेलो भैया कैसे हैं, आपके बीच में उतना रिश्ता गैप होना चाहिए। बिल्कुल।
तो ये लोग का वो काम ही है अपना, ये लोग हम कभी ना अनुपमा यादव से हमारा कोई मतलब रहता है, और उनका तो वो परिवार ही है तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। पहले मतलब था अनुपमा यादव से, गाने वाने गवाते थे, लेकिन देखे उसका जो भी था उसको बहुत पहले हमने उस टाइम बहुत गाना गवाया है जब वो स्टार नहीं थी तब से। ठीक है, वो अपना खुश रहे जहाँ है, उसके लिए हमें कुछ बोलना ही नहीं है। जिसके साथ है जहाँ रहे जैसे रहे वो खुश रहे, वो टैलेंटेड इंसान है, अच्छी गायिका है, अच्छा गाती है, इसमें नो डाउट, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी इंसान को अच्छा होना चाहिए, मैं बस ये जानता हूँ। आए दिन स्टेज पे कहीं ना किसी से भिड़ जाती है, और जिस तरीके से आप एक टॉप लेवल की गायिका अगर हो और आप टॉप बॉस की ही वाइफ को जिस तरीके से आप कमेंट करते हो, तो सोचना तो पड़ता है ना, असर तो कहीं ना कहीं एक छवि जाती है ना खराब। नहीं, ये जो आप करिएगा यहीं पे आपको जाना है, यहाँ स्टार्डम किसी को पचा है जी कि पचेगा। स्टार्डम देखते देखते ये हमारा 8वां 9वां साल है, बहुत लोग देखे आए गए, कहाँ बिला गए, ख़त्म हो गए, पता नहीं। जिसका जैसा बुद्धि रहता है वह वैसा उसके साथ भगवान करते हैं, हम लोग को क्या करना है। क्या कहिएगा लास्ट में फैंस से? बस हमारा एक गाना रिलीज हुआ है आज, और बहुत तगड़ा गाना है, उस गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो 9 घंटा अभी हुआ है, और वो गाना 11 लाख 1.1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है, ये भी गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो बस आप लोग आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आप लोग का मनोरंजन करते रहेंगे।